एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी यौगिकों में कार्बोनिल समूह होता है, CO समूह होता है। ये यौगिक निम्नलिखित हैं, पहला है एल्डिहाइड RCOOH, कीटोन समूह होता है, और RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है। इसी प्रकार फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के चार व्युत्पन्न होते हैं, एसिड हैलाइड RCOX, एसिड एमाइड RCONH2, और एस्टर समूह होता है RCOOR, एस्टर समूह होता है, और एसिड हैलाइड समूह होता है RCOOCOR। संक्षेप में RCO एसिड एनहाइड्राइड समूह होता है। एक एक उदाहरण दिए हैं, ये एस्टरलियाइड है, ये एसिटिल क्लोराइड है, ये एसिड एमाइड है, एसिटिक एसिटामाइड है, और ये एथिल एसीटेट है, और ये जो है एसिटिक एनहाइड्राइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक हैं, इनमें सुगंध होती है और ये फ्लेवर्स और सुगंधी द्रव्यों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले बेंजाल्डिहाइड है, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध होती है C6H5CH2। ये वेनिलीन है, इसमें ये वेनिला एसेंस बनाने में काम आता है। सैलिसिलिहाइड है, इसमें CH और OH समूह व्यंजन रिंग से जुड़े होते हैं। सिनेमैल्डिहाइड है, CH डबल बॉन्ड CH और समूह व्यंजन रिंग से जुड़ा होता है। सैलिसिलिहाइड से सैलिसिलिक अम्ल का हम समझ सकते हैं सूत्र, और सिनेमैल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल का सूत्र समझ सकते हैं। अब आते हैं नामकरण पर। एल्डिहाइड का नामकरण सामान्य नाम पद्धति में अम्ल के नाम के आधार पर किया जाता है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मूल होता है जिससे कि एल्डिहाइड बना है, उसके नाम के आधार पर करते हैं। उसके नाम के अंत में एक अम्ल शब्द को हटाकर एल्डिहाइड शब्द जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फार्मिक अम्ल HCOH, फार्मिक अम्ल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये फार्मिका यानी चीटी में पाया जाता है, और इसमें इसका एल्डिहाइड HCHO, इसका नाम फार्मेल्डिहाइड, IUPAC नाम इसका मिथेनल, CH3COH एसिटिक अम्ल, एसिटम सिरके में पाया जाता है इसलिए इसका नाम एसिटिक अम्ल पड़ा, और इससे बना एसिटाल्डिहाइड, और इसका IUPAC नाम मिथेनल। प्रोप्योनिक अम्ल से प्रोप्योन एल्डिहाइड बनता है, इसका IUPAC नाम प्रोपेनल, और ब्यूटेनोनिक अम्ल से ब्यूटेन एल्डिहाइड बनता है, इसका IUPAC नाम ब्यूटेनल। फिर कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे बेंजाल्डिहाइड C6H5CH, बेंजोइक अम्ल C6H5COH, इनके ये मूल नाम है। और कीटोन का नामकरण जो है वो एल्किल कीटोन के रूप में किया जाता है। CH3COCH3 का नाम है डाई मेथिल कीटोन, और इसका IUPAC नाम होगा प्रोपेनॉन। इसी तरह अगर यहाँ CH3COC2H5 होता तो ये होता एथिल मेथिल कीटोन, और इसका नाम होता ब्यूटेनॉन।